अवैध संबंध के चलते पत्नी ने की थी पति की हत्या। 1 जनवरी को नहर में मिली थी लाश। 3 आरोपी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। ठीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बगाड़ी नहर में योगेश पिता दशरथ पटेल निवासी खजूरी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के निर्देशन पर SDOP रूपरेखा यादव के मार्गदर्शन में ठीकरी थाना पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए जानकारी जुटाई तो ज्ञात हुआ कि मृतक योगेश की पत्नी अनिता बाई के अवैध संबंध गांव के ही बलिराम पिता हीरालाल यादव से हैं, जिसके चलते आए दिन मृतक योगेश पत्नी अनिता बाई से विवाद करता रहता था, जिसके बाद अनिता बाई और उसके प्रेमी बलिराम यादव ने मिलकर योगेश को मारने की योजना बनाकर तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे बेहोश कर दिया और जैकेट से दोनों हाथ बांधकर बलिराम और उसके सहयोगी दिलीप उर्फ दिनेश पिता बालू निवासी खजूरी की मदद से उसे बगाड़ी नहर में फेंक दिया था, जिसके चलते योगेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुलवानिया से रवि महाजन की रिपोर्ट। सर, आज खजूरी का पूर्व मर्डर है, उसका खुलासे के लिए बात की, क्या है सर? थाना ठिकरी के अंतर्गत दिनांक 1/1/2021 को सुबह 7 बजे सूचना मिली थी, बगाड़ी नहर में कोई लाश पड़ी हुई है, अज्ञात है। इस गाँव वालों ने सूचित किया था, जिस पर से हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें मरकर मांगे कायम कर उसकी जांच की गई थी, जिसमें जांच के दौरान पाया था कि एक व्यक्ति के हाथ बंधे हुए मिले थे और अज्ञात डेड बॉडी थी। ये बाद में पता करने पर खजूरी का योगेश पिता दशरथ के नाम से ज्ञात हुआ है। ज्ञात होने के बाद में मर्ग जांच पर से अपराध क्रमांक 21/302/201 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि उसकी पत्नी अनिता बाई और उसका प्रेमी बलिराम तथा उसका नौकर जो उसके खेत में पानी पीता था दिलीप और दीनू दिनेश नाम के व्यक्ति जो खजूरी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पत्नी का अवैध संबंध बलिराम से होने के कारण से पति की योजनाबद्ध तरीके से उसको मारने के बाद में नहर में फेंकना पाया गया था। ये विवेचना के दौरान पाया है, तो इस दौरान में उनकी तीनों की गिरफ्तारी की गई तथा उसमें जो मोटरसाइकिल पर रख के ले जाकर जो फेंका था मोटरसाइकिल जब्त की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया, आज न्यायालय पेश करेंगे। सर, क्या उन लोगों ने कबूलनामा किया है कि हाँ कबूल किया कि हमने इस प्रकार से हत्या किया है, योजनाबद्ध तरीके से हमने इसका मर्डर किया और उसके बाद मोटरसाइकिल से रखकर उन्होंने नहर में फेंकना पाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।